नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। पंजाब की चुनावी यात्रा में हम निकले हैं, जहां पर जालंधर की अगर बात की जाए तो करतारपुर साहिब में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो सुरेंद्र माहे जी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी की तरफ से वो कैंडिडेट हैं और अपनी चुनावी यात्रा को लेकर इनकी किस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुरेंद्र माहे जी। सर, स्वागत है खबर फास्ट। मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ कि तुसी मेरी जिहड़ी बैकग्राउंड है जां मेरे बारे मेरा मैसेज लोकां तक पहुँचाउण लई एक सब तो बड़ा मीडिया ही साधन है और मैनूं पूरी उम्मीद है कि मेरी जो विचार है, जो मेरी गलबात है, वो तुसी लोकां तक पहुँचाउण दे लई इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़ा उहदा बहुत बड़ा साधन है। तो मैं सब तो पहला हलका करतारपुर निवासियों नूं अपने वालों राम राम, सत श्री अकाल, आदाब पेश करदा हाँ। 1991 दे विच पहली बार मैं जलंधर तो कौंसलर चुनिया गया, वो पहली कारपोरेशन जलंधर विच बनी सी आफ्टर अतवाद, पहली डेमोक्रेसी जिहड़ी बहाल हुई है 91 दे विच, वो साढ़े इलैक्शन तो हुई है और मैं उदों कौंसलर चुनिया गया और कांग्रेस पार्टी वालों मैं कौंसलर बनिया सी और जिन्ने विकास के काम उस टाइम मेरे टाइम विच होए, जिहड़े स्लम एरिया से उन्होंने विच मैं सब तो ज़्यादा काम कराए, उहदे विच भार्गो कैंप आउंदा सी, बूटा मंडी आउंदा सी, होर बहुत सारे हिस्से आउंदे सी और इन्ना विकास कदे होया ही नहीं सी। करीब मैं 5 करोड़ तो भी वध जिहड़ा वार्ड नंबर 30 मेरा हुंदा सी, उहदे विच मैं 5 करोड़ रुपए तो भी वध दे पैसे खर्च करके कारपोरेशन वालों डिवेलपमेंट दे काम कराए। बिल्कुल सर, जिदा तुसी दस्या कि तुसी बतौर कौंसलर अपनी जो सेवाएं जनता नूं दित्तियां, तो की कुछ उपलब्धियां तुहाडियां रहियां, की कुछ जनता नूं सौगात दी गल कीती जाए, की कुछ तुसी दित्ता? देखो, सब तो पहला तो मैं जिस तरह आप नूं दस्या कि मैं कौंसलर रहा, कौंसलर दे टाइम बहुत विकास दे काम होए, फिर लंबे समय तक 30 साल तो भी ज़्यादा मैं पंजाब कांग्रेस का जिहड़ा प्रदेश का जनरल सैकटरी रहा और उस तो बाद 2002 तो लैके 2007 तक मैं जलंधर शहर का मेयर रहा और इतने मैं दसना चाहना कि जलंधर का जिन्ना विकास मेरे टाइम दे विच होया, इन्ना कदे 50 साल च विकास नहीं हो सकता जिन्ना मैं 5 साल दे विच जलंधर साइड दे विच विकास दे काम किए हैं। उहदी इक उदाहरण है कि जलंधर शहर जिहड़ा वो 60% लोगों नूं पीण वाला पानी साफ सुथरा मिलता है और 40% जिहड़ा शहर आ उत्थे हैंड पंप दे नाल लोकी पानी लैंदे सी और मेरा जिहड़ा टाइम सी वह जून का महीना सी। आपां जाणदे कि जून के महीने च किन्नी गर्मी हुंदी है ते जिहड़े 200 फुट ते 150 फुट ते जिहड़े हैंड पंप पानी लगे हुए सी जितों लोग पानी लेंदे सी वो वाटर लैवल जिहड़ा आ वो चल गया 450 फुट के नीचे ते जिहड़ा नल सीगे उहनां विच पानी बिल्कुल पीले रंग दा आंदा सी ते मेरे को कोई साधन नहीं सी कि जिहड़े टैंक राही पानी लोकां तक पहुँचा सकां। मैनूं चुने हुए नूं थोड़े दिन ही हुए सी, उदों 15 जून डेट सीगी, मैं समझदा कि वो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सी। उस चैलेंज नूं मैं कबूल किया। जदों मेरे को लोग आंदे सी अलग अलग हिस्सों चो, जिहड़े जलंधर शहर के बाहरी हिस्से आ जिस तरह कोट सदीक है, खुल्ला किंगरा, अपने सलेमपुर मुसलमाना, चुगिट्टी, लम्मा पिंड, अपने टिलमा, बिनगा, परागपुर, यह सारा शहर का बाहरला हिस्सा सी।
ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਸੋਧ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਸੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਏਰੀਆ ਚਾਹੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ ਬੈਠ ਸਕਣ 450 ਪਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ MLA ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਰੋਡ ਬਣਾਈਆਂ ਡਸਟ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਰੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਓ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਲੇਕਰ ਆਏ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਕੀਮੇ ਜੋ ਲੇਕਰ ਆਏ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਮੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ ਤੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਹੋਂਗੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਕਾ ਮੂਡ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਜੀਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕੀ ਹਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੈਪਾਲ ਰਸੂਲਪੁਰ
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर वन है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, दो दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। कबीर अमरेजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में तीन कोड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमरेजाइन सिरप। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल, खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चारों तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। उसी को लेकर खबर फास्ट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर आज मानसा विधानसभा में पहुंचे हैं और वहां पर जनता की राय जानते हैं कि उन्हें किस उम्मीदवार को अपना वोट डालना है, किसे सत्ता की चाबी देते हैं और किसे सत्ता से बाहर करते हैं। हमारे साथ युवा हैं, युवाओं से जानते हैं क्या कहना है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सिम्मा सिंह जी। सिम्मा सिंह जी, जो चुनाव है 20 तारीख को चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जाएंगे? असीता जी आम आदमी को वोट पावे, भगवंत मान सीधा सीएम बना पंजाब का। हाँ, ऐसा क्या वजह है जो सीएम वो सब की गल सुनते हैं जी, नेड़े हो के ये बाकी लीडर तो कहते हैं अभी पग बनते हैं, अजय अभी बाथरूम के अभी तैयार होंने जी, साढ़े को टाइम नहीं है, पहले साढ़े पीए तो टाइम लो, वो कहते साढ़े को सीधे आके मिलो, कोई गल नहीं। साथ युवाओं भी है, युवाओं के लिए जो रोजगार है, बेरोजगारी काफ़ी है, किस मुद्दे को लेकर वोट दे जाए? आप तो आम आदमी नहीं पाऊंगे वोट पाया आम आदमी पार्टी। क्या नाम जी आपका? रिंकू सिंह जी। क्या किस मुद्दे को लेकर वोट दे जाए? झाड़ू हाँ जी, क्योंकि जी सारिया पार्टियां देख रहे हैं, अकाली दल ने भी वोट पा ली जी, कांग्रेस ने भी पा ली, इन्होंने कुछ नहीं कर जी, झाड़ू भगत मान सीधा सीएम बनावांगे। हाँ जी, हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं, आपने सुना युवाओं का साफ कहना। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम श्याम लाल है। श्याम लाल जी, ये 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? हम केजरीवाल को वोट देंगे सीधी, केजरीवाल ने काम बढ़िया करवाए हुए हैं, दिल्ली में भी काम बढ़िया कराए हैं, उम्मीदें करते हैं कि यहाँ पे भी काम बढ़िया होंगे। क्या उसका क्या कौन सा काम अच्छा लगा? उसका काम सबसे बढ़िया काम लगा हॉस्पिटल का लगा, शिक्षा का लगा और वगैरह पानी वगैरह का लगा। आजकल पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत है, गंदा पानी आता है, पीने लायक नहीं है, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं है, कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जाओ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या नाम जी आपका? फूल सिंह। फूल सिंह जी, 20 तारीख को चुनाव होना है, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? मुद्दे तो आम पार्टी चलोगी, आम पार्टी। क्या वजह है जो आम पार्टी? पता की गल है, सरकार यही आँदी है, अकाली भी आँदी, कांग्रेस भी आँदी है, ये बस दोनों जन के ही चलता है, हम नवी पार्टी का हर आदमी कहता है नवा पार्टी आनी चाहिए। क्या नाम जी आपका? अरुण सिंह। अरुण जी, चुनाव होना 20 तारीख को, मतदान होना, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? मुद्दा सर यही ज़्यादातर बेरोजगारी हेल्थ डिपार्टमेंट का है और
करप्शन, दो तीन चीज़ें हैं। हाँ जी, किसी भी सरकार ने इन पर काम नहीं किया अभी तक, बेरोजगारी पर तो किसी भी नहीं किया। हाँ, बाकी एजुकेशन है, हेल्थ है, वो भी डामाडोल ही है। क्या नाम जी आपका? साहेबजी सिंह है जी। साहब सिंह जी, इस मुद्दे को लेकर 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे? आम आदमी को डालेंगे जी। हाँ जी, क्या वजह? नई पार्टी है पंजाब में उसके? नई पार्टी है, 70 साल हो गए उनको राज करते हुए, क्या बनाया है पंजाब का, खराब ही करा है इसने, तो आम आदमी को मौका देंगे जरूर, इसको भी देखेंगे 5 साल। पंजाब में नशा चरम सीमा पर है, उसको लेकर 20 तारीख को किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? 75 सालों से हम देख रहे हैं, अभी तक कोई किसी ने कोई लाभ नहीं उठाया। विमुख जाति है, कोई भी किसी जाति की तरफ से कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है, सब बेरोजगार हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखेंगे। पंजाब में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हैवी है, क्योंकि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ युवा हैं, युवा से जानते हैं इस बार जो 20 तारीख को चुनाव है उसमें लेकर किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी। क्या नाम जी आपका? जादविंदर जी। जादविंदर जी, किस मुद्दे को लेकर वोट करूँ, क्योंकि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं पंजाब में? मेरे ख्याल से हमको कोई भी सरकार है ना, वो हमको रोड मैप नहीं अच्छा दे रही है। जो हमको रोड मैप अच्छा देगी, भी हमारे लिए नौकरी देगी और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बोलेगी, हम उसको वोट देंगे। हम जैसे हमारे 3 पार्टी है ज़्यादा मेन, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, अकाली दल पार्टी होगी, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, कोई हमको रोड मैप नहीं दे रहा है। जैसे हम लास्ट डे हमारे ना अकाली दल के आए थे, वो उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस माड़ी, आम आदमी माड़ी, और किसी ने हमको रोड मैप नहीं दिया। जब हमने सवाल उठाए उनको भी हमको रोड मैप दो, तो एक दो ना, एक स्पून गैंग चलती है हम सभी गांव में। जैसे हमारे भी एक कोई वो उसकी स्पून गैंग थी अकाली दल की, उन्होंने मेरे को धक्के मारे भी आप सवाल नहीं कर सकते। जैसे ना भी ये सभी ऐसे बोलते हम आपको फ्री देंगे, हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए और हमको नौकरी चाहिए, जो जे की जो दे ही नहीं रहे हमको। इसलिए मेरे को लगता है अभी हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमको एजुकेशन देगी और आगे नौकरी देगी। ज़्यादातर तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा नौजवान बेरोजगारी घूम रहे हैं। जैसे हमने भी इस बारी बहुत सारी नौकरी निकाली इस बारी पंजाब ने, लेकिन वो पूरी तरह से रद्दी कर दी गई। जैसे पंजाब पुलिस की भर्ती निकली 550 कॉन्स्टेबल, वो हमसे एक तरह से कह सकते हैं कि पेमेंट तो करा ली गई, लेकिन हमें उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। हमारे जहां पर देख लीजिए कि आपने 1100 रुपया भरा एक पोस्ट का, लगभग 5 से 7-8 पोस्टें निकली, 7-8 हज़ार रुपया बन गया उनको, और हमें इसके बारे में कोई पता नहीं किधर गया, कौन खा गया। नशे का तो देखो ही, नशा तो जब गवर्नमेंट बेचती है तभी आता है, इसके बिना तो कहीं नहीं आ सकता। बाकी बॉर्डर एरिया पंजाब में पिछले बहुत साल से यहाँ पे नशा चल रहा है, लेकिन इस बारी नशे पे भी रोक लगाने के बारे में सोच रही है सरकार, लेकिन अगर यही हार रहा तो फिर नशा तो बहुत मुश्किल है। खबर फास्ट के लिए मानसा से ललित कुमार। स्किन की समस्या से परेशान? जुकाम, सिर दर्द हो सकता है मॉर्निंग एलर्जी का संकेत। डॉक्टर मनोज यादव, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पालेराम कटारिया, डिप्टी सीएमओ जींद, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701 और 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर वन है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 कड़। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक।
आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृत जाइम सिरप। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पंजाब में 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसी को लेकर खबर फास्ट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से जानते हैं कि इस बार सत्ता की चाबी किसको सौंपेंगे और किसको सत्ता से बाहर किया जाएगा। उसी को लेकर हमारे साथ हैं जो लोग हैं मानसा विधानसभा के, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम जी आपका? रमेश कुमार जी। रमेश जी, चुनाव होने जा रहा, 20 तारीख को मतदान होगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? हमने पिछले 5 साल में देखा है, ना बिल्कुल विकास हुआ है, ना नशा बंद हुआ है, इसलिए हमने मत रखा। इस बार सरकार हमने बदलनी है। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद काम नहीं हुए, क्या वजह है? जो इस बार कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल काम नहीं हुए, हमारे मानसा का बिल्कुल विकास नहीं हुआ और हमने मत रखा। इस बार हमने झाड़ू को लगाना है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है जी, किसी को कारोबार नहीं मिल रहा, तो सड़कों का बुरा हाल है जी, पानी सिस्टम पानी इन्ना खड़ जाता जी, तो नशा पत्ता बहुत ज़्यादा है, आम घर घर नशा मिली जाता जी, बहुत बुरा हाल है। इस बार सरकार बदलनी चाहिए। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। क्या नाम जी आपका? विक्रमजीत सिंह जी। विक्रम जी, 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? मैं तो जी पंजाबी एक गल कहनी चाहना, पंजाबी बोला ही, मापे बच्चों नूं पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे थक गए ने, बच्चे डिग्रियां लै लै के अक गए ने, नज़र आवे ना मुकाम नेड़े फिर पछताउंदे ने लोग, बहुत सारे लोग। एजुकेशन स्कूलों के बच्चे एजुकेशन बिल्कुल ही जीरो फ्लोर ते, तो बाकी यार तुसी देख रहे हैं इतने रोज़ एक्सीडेंट होंगे ने, ट्रक के ट्रक पब्लिक इतों लंघते हैं लेकिन ट्रक भी इतों लंघते हैं, ये मेन मुद्दा जी मानसा का। बाकी इस बार तो सारे की इच्छा हैगी सरकार बदल जाए, तो बहुत वधिया गल है जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है और क्या रणनीति रहेगी, किस मुद्दे को लेकर चुनाव किया जाएगा, वोट की जाएगी। 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, हाँ जी, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी? वो पंजाब के मुद्दों की लेके बात की जाएगी, पंजाब में जो मतलब के करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसको जो मतलब के आम पब्लिक की डिमांडें हैं वो नहीं पूरी हो रही, मतलब के इसको लेके ही बात होगी। शिक्षा के ऊपर सभी का ध्यान है, मतलब के सभी जो मतलब के आम पब्लिक चाहती है वो शिक्षा का सदर मतलब के ऊपर उठाए, इस बात पर बात होगी। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्योंकि 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, क्या सोचते हैं, उन्होंने काम किया है नहीं किया? शिक्षा और मेडिकल जो जरूरत है उसके मुद्दे पर वोट की जाएगी। पहले जो यहाँ पर 5 साल कांग्रेस अकाली की सरकार रही, उस दौरान कोई काम हुआ? क्योंकि जो पंजाब में नशे की बात की जाए तो नशा चरम सीमा पर है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और नशा कोई खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बस वो तो बहुत ज्यादा है। क्या नाम जी आपका? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, हाँ जी, 20 तारीख को विधानसभा चुनाव है पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी, क्या मुद्दा रहेगा और वोट डालने जाएंगे, किस उम्मीदवार को? नहीं, किस उम्मीदवार को वोट देंगे वो अभी कोई फाइनल नहीं किया है। वैसे हमने जो मुद्दे हैं ना, मानसा शहर के मुद्दे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, क्योंकि लोगों की सोच है वो गलियों नालियों तक ही सीमित रह चुकी है, जबकि हमारी सोच होनी चाहिए हॉस्पिटल के लिए, स्टडी के लिए, जो मानसा में बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ के बच्चों को, जहाँ हर एक बीमारी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है लुधियाना DMC में, स्टडी के लिए बच्चे चंडीगढ़ घूमते हैं, वो उस इन मुद्दों को लेकर हमें वोट डालनी चाहिए कि कौन इन मुद्दों को हमें हल करके दे सकता है। लोग क्या है, जब आता है लीडर, गली बना दो, लाइट लगा दो, जब हम लोग हॉस्पिटल स्टडी की बात करेंगे तो लोग इनकी बात करने लग जाएंगे, भी सड़क और लाइटों तक तो अपने आप ही काम आ जाएगा, हम लोग बात ही यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है सर, ये बात है जी।
क्या नाम है जी आपका? सतपाल जी। सतपाल जी, चुनाव होने जा रहा है, दिन प्रतिदिन चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा है, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? पंजाब का सुधार होना चाहिए जी। सब तो बड़ी गलत यही है भी अपने जो भी काम है अधूरे पे ने, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, अपन सुविधा होनी चाहिए है पंजाब के। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो कोई होया नहीं जी। देखो अपने जो मानसा छोटा जहा शहर है, इतने तो कुछ बनया नहीं, बाकी उनकी क्या सारे गवर्नमेंट दे हो सारा। आपका भीम सन गर्ग शंकर जी, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाऊंगे इस बार विधानसभा की? मुद्दा तो है ही नहीं पंजाब में कोई जी, कोई मुद्दा नहीं है, सब रले मले मुद्दे हैं, कोई सड़कों का है, कोई गलियों का, नालियों का है, यही मुद्दे हैं बाजार के। तो सरकार चाहिए जो ये काम करा सके लोगों का, बस यही है जी, हो तो कुछ नहीं है। क्या नाम जी आपका? अमरजीत सिंह। अमरीक जी, 20 तारीख को चुनाव होना है। हाँ जी। इस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने जाएंगे आम पार्टी को? क्या वजह ऐसी जो आम पार्टी बदलाव पालते हैं? कांग्रेस की सरकार थी उसमें काम नहीं हुए? नहीं हुआ, हूँ आम पार्टी करेगी। गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, 20 तारीख को चुनाव है मानसा की, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखकर आप वोट करेंगे? सब तो बड़ा मुद्दा साढ़े गलियां से 20 मिनट मीह आता पानी अंदर आ जाता जी, उन्होंने 6 लाख रुपये ठेके से खा गए हैं सफाई करन दा, जिहड़े मुलाजम कदे बस रखे हुए हैं, वो जो मीह पैंदा थोड़ा जिहा उहीं कट्टा पैंदा पानी, बस पानी खिंच रहा मोटर वाले जो लगे बैठे हैं, वो ऊँ तनखा लै रहे हैं, कम नहीं कर रहे। साड़ी समस्या बहुत ज़्यादा जी, बस डी क्लास जला इन्हें एक क्लास बनाया, 20 क्लास बनाया जाए। क्या नाम जी आपका? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी, 20 तारीख को चुनाव होना है, किस मुद्दे को लेकर वोट की जाए? सर हम तो सब पार्टियों के साथ हैं, हम तो जिसको अच्छा लगे उसको वोट डाल देंगे। किसी ने काम करवाए हो अभी कांग्रेस की सर? वो जो अच्छा लग रहा है उसको कराए करेंगे, दूसरे को नहीं। 20 तारीख को चुनाव होने हैं, युवा हो आप भी, बेरोजगारी बढ़ी है, किस मुद्दे को लेकर वोट? एक तो बेरोजगारी को लेकर वोट की जाएगी, एक नशे नुशे चल रहे हैं ना यहाँ, उसको लेकर वोट की जाएगी। यहाँ कांग्रेस थी जो पहले दावा करती थी हम नशा दूर करेंगे, लेकिन 5 साल में नशा दूर हुआ या नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? कुछ दूर नहीं हुआ। अब उम्मीदवार आपके बीच आ रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं उनसे और क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जी, कोई कुछ नहीं करता। हम इस बार तो आम आदमी पार्टी को डालेंगे वोट। ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे, इनका साफ कहना है कि जो भी उम्मीदवार हमारा काम करेगा, हलके का विकास करेगा, उस मुद्दे को लेकर हम वोट करेंगे और लगातार लोगों के बीच जाकर खबर फास्ट की टीम जनहित मुद्दे और जो लोगों की समस्याएं हैं उसे उठा रही है और जनता से पूछ रही है कि वह आने वाली 20 तारीख को किस मुद्दे को लेकर वोट की जाएगी। मानसा से खबर फास्ट के लिए ललित कुमार।